दिल का माशा न्यू ब्रांच खुलने लगी है कुछ हंसने। ऑलवेज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू से गुड बाय टू पाकिस्तान और जितने लोग हैं यहाँ पर, इतने आना ही चाहिए, जाना बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। और अभी इस वक्त तो मेरी आवाज़ बड़ी चहकी चहकी लग रही है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये किस्सा है कुछ महीने पहले का, लेकिन आगे आप वीडियो में सुनेंगे मेरी आवाज़ की टोन से ही आपको पता चल जाएगा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। अनबिलीवेबल है कि मैंने आज खुद ही अपनी वीडियो देखी इसको एडिट करने के लिए, तो आई रियलाइज कि मेरी जो आवाज़ है वो इतनी उसकी पेस लो थी जस्ट बिकॉज के जो है ना, मैं अंदरूनी तौर पे इतना सैड फील कर रही थी। लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट फॉर नाउ और वीडियो शुरू करते हैं। बंदे का दिल रो भी रहा हो ना तो इन बच्चों को एंटरटेन करना पड़ता है। यह है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट और हम यहाँ से अब वापस जा रहे थे यूके, और शहीद ने कहा जी इन बच्चों को देखकर उसने कहा जी मैंने भी खेलना है, तो फिर मैं उसको यहाँ थोड़ी देर के लिए ले आई। आज मैं हॉस्पिटल में किससे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने रिस्पांस दिया कि जी फिर तो आप अच्छा आपका नाम ये है तो फिर तो आप पाकिस्तानी होंगी। मैंने कहा जी मैं हूँ पक्की पाकिस्तानी प्योर वाली। अच्छी चपाई बनी हुई है इधर, नहीं उठाओ नहीं, ये सब डेकोरेशन के लिए है, ये सारे कितने अच्छे लगे हुए हैं, कितने मजे की शॉप है, देखो सारा पाकिस्तान का कल्चर, I love it, देखो कितने मजे की चीजें हैं, चिल्ली मानो देखो शीर लाल टहने, ये चादरें ये देखो, ये देखो ढोल, क्या ढोल, सारी चीजें ब्यूटीफुल है। ये भी लो, ये देखिए ये छोटे से छोटे, पिंडी नहीं तो लाहौर सही, ये भी सही है, ये देखो ये भी एक और पीछे से झूले, देखो पहले झूले देखो, ऐसे लग रहा है कि बेबी, ये बेबी, ओ दैट्स ब्यूटीफुल, ओ देखिए ये भी है, देखो तस्वीर में है, ये देखिए ये शूज, खुसा शूज, दिस इज खुसा, मजे की कटलरी है, ये पाकिस्तान का ही है। वैसे तो हमारा दिल बहुत उदास है लेकिन फिर भी है। आजो ये देखो ट्रक्स देखो, ये रिक्शास देखो, शॉप इज गुड, लेकिन ये भी है, हां ट्रक, ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, ईच वन ऑफ दीस, ये भी है इनका, वही एयरपोर्ट वही सब कुछ, लेकिन आते और जाते की फीलिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और सब मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि आज बहुत क्लाउडी और रेनी वेदर है इस्लामाबाद में, और बस दिल चाह रहा है कि हमने जाना ना होता। मैं साइंस की उस तरक्की के इंतज़ार में हूँ कि जब बंदा बटन दबाएगा एक सेकेंड में वो यूके में होगा और अगले मोमेंट में वो पाकिस्तान में होगा, ऐसा कभी हो सकता है? ऑलवेज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू से गुड बाय टू पाकिस्तान और जितने लोग हैं यहाँ पर, इतने आना ही चाहिए, जाना बिल्कुल नहीं। मैं तो जाते हुए हमेशा एक ही बात सोच रही होती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी खैर खरीद के साथ मैं दोबारा आऊँगी अपनी पूरी फैमिली के साथ, एंड यही बस एक थाट है जो मुझे ना बस दैट कीप्स मी गोइंग, के मैंने इंशाल्लाह फिर आना है, बार बार आना है
और एक दिन पक्का ही पाकिस्तान आ जाना है इंशाल्लाह कह दूँ, ताकि ज़रूर पूरी हो मेरी बात खैरियत के साथ और बरकतों के साथ। नॉर्मली मैं बिल्कुल ऐसे ही सो चुकी होती हूँ जैसे ये सारे मुसाफिर सो चुके हैं, लेकिन शहीद के कहने पे मैं टेक ऑफ के वक्त जागती रही। जितनी खुश मैं उस वक्त होती हूँ ना जब हमारे जहाज़ के टायर टच करते हैं पाकिस्तान की सरजमीन को, उतना ही सैड सीन होता है जी पाकिस्तान को छोड़ने का। और आई वुड रादर स्लीप एट दिस टाइम, लेकिन मैं बस सिर्फ शहीर को बहुत शौक़ था कि जी मैं टेक ऑफ को कैप्चर करूँ, सो आई डिड। लेकिन नॉर्मली मैं इस टाइम पे सो चुकी होती हूँ कि ना मैनू पता लगे कि ऐसी छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान, ना कुछ और, खैर खरीद नल पहुँच जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तानी जो होते हैं ना, वो दुनिया के किसी कोने में भी हों, वो पाकिस्तानी ढूंढते रहते हैं। पाकिस्तान का लिबास, पाकिस्तान जैसे शॉपिंग सेंटर्स, पाकिस्तान जैसी फूड। पता नहीं फिर हमें पाकिस्तान छोड़ना क्यों पड़ जाता है, पता नहीं ऐसे ही लोग क्यों पाकिस्तान छोड़ते हैं कि जो पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते होते। मैं अक्सर लोगों से जब बात करती हूँ वो कह रहे होते हैं, हर बंदा डेस्परेट साउंड होता है कि बस कोई मौका मिले तो दुबई का वीज़ा लग जाए, यूके का वीज़ा लग जाए। परदेश की लाइफ आई थिंक जो है ना, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस, जो उसी को पता होते हैं जिसने परदेश काटा होता है। अगर आपका ताल्लुक किसी गांव से है तो आपने यकीनन ये माही और टप्पे सुने होंगे। तो मेरे अबू हमेशा एक वो कहते हैं कि जी कोई ऊँचे मुनारे ने रोज़ी रब देसी क्यों वतन में सारे ने। वही बात है कि रोज़ी के चक्कर में बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पे जी हम लैंड करने वाले थे बहरीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और बाहर आंटी आई होंगी हमें लेने जो मेरी अम्मी की दोस्त हैं। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि वो आपके अगर ब्लड रिलेशंस ना भी हो ना तो दे फील लाइक फैमिली, बल्कि वो फैमिली से भी बहुत बढ़ के होते हैं। जितना अरसा मैं पाकिस्तान से बाहर रही हूँ मैं हमेशा यही सोचती रही कि अगर ये सारी दुनिया की खूबियाँ हमारे मुल्क में आ जाए ना, लोग ईमानदार हो जाएं, धोखा ना करें एक दूसरे के साथ, मिलावट ना होती हो, चोरी से लोग परहेज़ करें, तो हमारे मुल्क जैसी ज़बरदस्त जगह कोई है नहीं है। इन ये छोटी छोटी जगहों पर बने हुए ये जजीरे कह लो या सहरा में एक छोटे छोटे मुल्क हैं UAE के, लेकिन बिकॉज द मैनेजमेंट इज़ गुड तो ज़बरदस्त तरीके से रन कर रहे हैं। और चाहे वो बहरीन हो या UAE और चाहे वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हो, एक स्पेशियसनेस का एहसास होता है जो यूरोप के एयरपोर्ट्स पे तकरीबन मिसिंग है। जैसे मैं UK की अगर बात कर लूँ तो आपको इसलिए कहते हैं ना सफ़र वसीला है सफ़र, आपको निकलना चाहिए और ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। द मोर यू ट्रैवल द मोर यू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, और आपके इल्म में तो इजाफा होता ही होता है, आप बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप एक जगह को दूसरे से कंपेयर कर सकें, आपको पता होगा इस जगह के ये फ़ायदे हैं ये नुकसान हैं वगैरह वगैरह। तो चलें जी बाहर चलते हैं। एयरपोर्ट के टॉयलेट्स ऑनेस्टली इतने नीट एंड क्लीन, इतने मतलब स्पेशियस टॉयलेट्स कहीं मैंने नहीं देखे। मैं इसकी कैप्चर ना करूँ तो जाती है क्योंकि इतने मॉडर्नाइज्ड किस्म के वॉश बेसिन और सब कुछ है। ये देखिए ये जो निशान बना हुआ है ना, इसके नीचे है ये टिश्यू, ठीक है जी, ये एक जगह पर ये हाथ धोने के लिए पानी, इसके ऊपर ये साबुन बना हुआ है, और फिर साथ ही ये ड्रायर भी है। ये देखिए जी, इसके बाद ये यहीं पर हाथ रखे इसको धो लें, ठीक, और धो लिया मतलब अब ये साइन बना हुआ है इसके नीचे आ रखे सुखाने। और साथ ही सियानी कौम ने टिश्यू फेंकने की जगह भी बना दी है। बहुत ही खूबसूरत इसी तरह की बहरीन एक बहुत ही छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पे खासे पाकिस्तानी रहते हैं और बड़े मज़े की जगह है
क्योंकि अच्छी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इनका दिनार है बहरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो यूके के पाउंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बड़े मज़े की जगह, मौसम गर्म होता है लेकिन ज़बरदस्त लोगों की गाड़ियाँ हैं और ज़बरदस्त लोगों के घरों में एसी लगे हुए हैं, और तकरीबन पाकिस्तान जैसा कल्चर है क्योंकि लोग घरों में मेड्स वगैरह रख सकते हैं, तो लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी यूरोप वगैरह में है। लो जी, हमें लेने आंटी और उनका बेटा बाहर आए हुए थे और हम यहाँ पे बैठने लगे हैं गाड़ी में, और इनका घर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं था एयरपोर्ट से, और बल्कि हम यहाँ से स्ट्रेट गए एक ज़बरदस्त खाने की जगह पे, जिस फ़ोन करते हैं अदील भाई, और अभी आपको वो जगह भी दिखाते हैं। और क्या ज़बरदस्त खाना था वहाँ का, ना ही पूछो। मैंने कहा कोई ना कोई लोग तो होंगे जो बहरीन में भी रहते होंगे, तो ज़रा इस खाने की जगह का रिव्यू ही दे दें आपको। और खाने की जगह पे पहुंचने से पहले आप देखें बाहर से एयरपोर्ट कैसे लग रहा है, और बहरीन की सड़कें कितनी कुशादा हैं, और मौसम कितना ब्राइट है, ज़बरदस्त। हम यहाँ पे कुछ घंटों के लिए थे लेकिन मज़ा ही आ गया। अगर आप लोगों का चक्कर लगे कभी बहरीन का, तो पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है ज़बरदस्त, इसका नाम है जी तंदूरी तवा। इनकी एक ब्रांच एयरपोर्ट से वेरी करीब बहुत करीब पहले ही है जो आप देख रहे हैं, और फिर इनकी एक नई ब्रांच खुल रही है जो आई एम श्योर के विद इन फ्यू मंथ्स अप एंड रनिंग होगी। तंदूरी तवा के नाम से है, ये पाकिस्तानी ओनर है, इनका नाम है अदील, और बहुत ज़बरदस्त नाश्ता इन्होंने हमें सर्व किया। आंटी भी हमारे साथ थी, आंटी की बहू भी थी और बेटा भी था, और हम सब थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नाश्ते में ना हो, बहुत इन्जॉय किया हमने इस मील को। मुझे तो मुझे हमें जो अब इस वक्त ये जो फील आ रही है ना कि बिफोर इट्स टू लेट, हमने जी ये डिस्कशन यहाँ पे शुरू की हुई थी कि कौन सी जगह बेहतरीन है, कौन सा मुल्क अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, लेकिन आप ये चाय देखें और मेन्यू तो सारा हमने मिस ही कर दिया। मैंने कहा आपको डिस्कशन भी सुनवाएं, हलवा था, आलू के पराठे थे, नान थे तिलों वाले, कोई ऐसी चीज़ थी नहीं थी जो ना हो पाए थे, और हर चीज़ का टेस्ट इतना अच्छा था, और जब मैंने प्राइसेस पूछी तो प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। तो ये देखें इनके तंदूरी तवा के राइडर्स यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि जो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स और डिफरेंट तरह के लोग, उनको ये डिलीवर भी करते हैं, बेहतरीन, यू मस्ट विजिट इट। बच्चे सोई हुए, आयशा सोई भी है, आयशा सोई है, रेंट पे है, लेकिन हमने उनको बोला था, शहीद को मिल गए अपने फ्रेंड्स, और हमने आंटी के साथ और आंटी की बहू के साथ, हिना के साथ वो गप्पे लगाए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा टाइम कैसे गुजरा। थोड़ी देर रेस्ट किया, बीच में चाय वाय पी, और इनकी दूसरी ब्रांच का विजिट भी किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ब्रीफली, और फिर हमने रात को कहीं और खाना खाया, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बहुत मज़ा आया, और मेनली मज़ा क्या है जी, गपशप का। माशाल्लाह खुला स्पेशियस ये किचन, बहुत अच्छा है। वाह यार, यूट्यूब वीडियो कितनी अच्छी बने। अभी इसको आप देखिए, आपका कितना और टाइम लगेगा इसको, भी लगते हैं 10 से 15 दिन और चाहिए। ये सारे यहां पे बर्नर, ये कुछ नहीं, ये पे रेडी है, ये सब यहां पे रेडी है। अच्छा, और ये किसने किए? ये भी है पाकिस्तान ही, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, यहां पे भी एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये हुआ थे और 600 दिन यूके में, ये चीजें बहुत महंगी है। ये भी सेंट्रल है, हमारे ये लाइटिंग सीलिंग, ये टाइलें, हां वॉल टाइल्स, वो किधर से, उधर से, किधर से, उधर से, वो है। अच्छा, बस
कस्टमर है ये बंद हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लो जी, ये था क्विक सा विज़िट अदील की तंदूरी तवा की नई ब्रांच का, जो अब आई एम श्योर कि खुल चुकी होगी बहरीन में। जो लोग भी बहरीन विज़िट करें ज़रूर जाएं, पुरानी ब्रांच पे भी, नई ब्रांच पे भी, और जो है ना अपना फीडबैक दें। और ही इज़ सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ माशाल्लाह, कि आई एम श्योर कि आपको ना सिर्फ ये कि बहुत मज़े के खाने मिलेंगे, बल्कि आपको बहुत ही एक अच्छी सर्विस भी मिलेगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। ये अदील का माशाल्लाह न्यू ब्रांच खुलने लगी है कुछ तंदूरी तवा।